हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कमेंट करने के लिए कि वो स्टेबल है या नॉन स्टेबल है, तो हम चेक करेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो फर्स्ट एरोमेटिसिटी की जो कंडीशन होती है वो होती है साइक्लिक। तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। साइक्लिक मतलब रिंग होनी चाहिए। सेकंड है रूल कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन कंपाउंड में क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। जैसे लोन पेयर सिंगल डबल या निगेटिव चार्ज सिंगल डबल या पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल या वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल या डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड और तो ये कंडीशन है तो उसमें क्या होगा? कंप्लीट कंजुगेशन। इसके बाद जो थर्ड रूल कंडीशन है वो है प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। कंपाउंड को प्लेनर। प्लेनर कैसे चेक करेंगे? प्लेनर चेक करने के लिए हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो sp2 किस कंडीशन में होगा? ये तो 3σ + 0 लोन पेयर इक्वल टू sp2 या तो 2σ + 1 लोन पेयर इक्वल टू sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कंपाउंड क्या होगा? प्लेनर। इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है? 4n + 2π इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं हकल रूल। इसको फॉलो करना चाहिए। 4n + 2। n क्या है यहाँ पे? n इक्वल टू हम 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट पुट कर सकते हैं। तो जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा इक्वल टू 2π इलेक्ट्रॉन। फिर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आएगा 6π इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आएगा 10π इलेक्ट्रॉन। तो ये आ रहा है तो क्या होगा? हकल रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद ये फॉलो नहीं करेगा तो ये फॉलो करेगा 4n π इलेक्ट्रॉन। 4n π इलेक्ट्रॉन यहाँ n इक्वल टू है 1, 2, 3 डॉट डॉट, मतलब 4 के टेबल में पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। या तो 4 आएंगे या तो 6 आएंगे या 4 आएंगे या तो 8 आएंगे या तो 12 आएंगे। ऐसे 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो 4n π को फॉलो करेगा। तो जो इसको फर्स्ट यदि इफ फर्स्ट 3 रूल आर नॉट फॉलो कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। यदि फर्स्ट 3 रूल में किसी एक को भी फॉलो नहीं करेगा तो कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। यदि फर्स्ट 4 फॉलो कर रहा है 1, 2, 3, 4 तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। यदि 1, 2, 3 और 5 फॉलो कर रहा है तो क्या कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। तो एग्जांपल से हम देखेंगे। Thank you.
इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रूल हमारा क्या था, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक मतलब रिंग होनी चाहिए। तो ये हमें रिंग दिख रहा है इसलिए फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। इसके बाद सेकंड क्या था, कंप्लीट कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के लिए हमने क्या देखा था, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब यहाँ से इसका डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कंजुगेशन भी फॉलो कर रहा है। थर्ड में क्या देखेंगे, थर्ड में प्लेनरिटी चेक करेंगे। प्लेनरिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइड्रो ये बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन की थ्री फोर वैलेंसी होती है, थ्री ने बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन होगा, इसी तरह यहाँ भी होगा, इसी तरह यहाँ भी होगा, इसी तरह यहाँ भी होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होना चाहिए, तो थ्री सिग्मा और जीरो लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा sp2। इसी तरह यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2 और यहाँ भी sp2। तो कंपाउंड क्या हो गया, प्लेनर हो गया, क्योंकि रिंग में इन्वॉल्व सभी एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो थर्ड को भी फॉलो कर रहा है। फोर्थ में देखेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड है।